टाइप्स ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम हमने कर लिया था, आज हम क्या करने वाले हैं? और तो हेडिंग क्लोज्ड सिस्टम। हां जी, क्या होता है क्लोज्ड सिस्टम में? सब कुछ बंद होगा, है ना, सारे बाउंड्री रियल होंगे। कैसे होंगे? और कंडक्टिंग होंगे। ये बाउंड्री बंद है, मान लो एक रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, H2 plus Cl2 to gives HCl, कोई भी एक रिएक्शन हो रही है। अब ये चारों तरफ से बंद है, अरे है कि नहीं है यार? अगर ये बंद है तो रियल हुआ या? एक तो रियल है, दूसरा कंडक्टिंग है। कैसा है ये? रिजिड भी हो सकता है, नॉन रिजिड भी हो सकता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो लिखिए क्लोज सिस्टम और ये डायग्राम बनाइए फटाफट से। कंडक्टिंग का मतलब समझते हैं आप लोग, जो हीट को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके। कंडक्टिंग को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल वॉल, या फिर बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। आइसोथर्मल वॉल या फिर डायाथर्मिक वॉल या फिर कंडक्टिंग वॉल, ये सारे नाम इसी के हैं। डायाथर्मिक और आइसोथर्मल एक ही वर्ड है। आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर दोनों तरफ, अंदर भी और बाहर भी। तब तक कंडक्शन होगा जब तक दोनों तरफ टेम्परेचर इक्वल हो। मैं इसे समझाऊंगा आपको, पर फिलहाल अभी आपको यह समझना है कि यह कंडक्टिंग होता है। एक बात बताओ, तुम्हें सुबह सुबह जो चाय या कॉफी मिली वो बहुत ज्यादा गर्म थी रूम टेम्परेचर के हिसाब से, जब तुमने उसे छुआ तो तुम्हें गर्म गर्म लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम भूल गए चाय या कॉफी या दूध पीना, और थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा? कब कितना ठंडा होगा? क्या रूम टेम्परेचर से भी ठंडा हो जाएगा? अगर मान लो बाहर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक जाएगा, इससे ज्यादा तो ठंडा नहीं होगा। अरे हाँ कि ना यार? इसलिए दोनों तरफ क्या हुआ? टेम्परेचर इक्वल। इसलिए इस शब्द को बोलते हैं आइसोथर्मल, सेम हीट है अंदर भी और बाहर भी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37, और रूम टेम्परेचर 27। रूम टेम्परेचर डिफरेंस है ना। और अगर हमारा टेम्परेचर बॉडी का कम हुआ तो हमें बीमारी हो सकती है, ठीक है, हाइपरथर्मिया बोल सकते हैं उसे, या फिर ज्यादा हो जाएगा तो बुखार हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंस है जो इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका टेम्परेचर उतना ही होता है जितना रूम टेम्परेचर होगा, और वो तब तक रहे। अच्छा, फ्रिज में डालो तो वहां पे आइसोथर्मल कंडीशंस नहीं बनती है, फ्रिज में अलग कंडीशंस है। एयर कंडीशनिंग चला दी हमने, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 27 है, एयर कंडीशनिंग से हम अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, तो वो एक किसी डिवाइस के थ्रू हो रहा है। खैर इस बात को छोड़िए, अभी फिलहाल आपको ये क्लोज सिस्टम पढ़ना है, इसमें सारी चीजें क्लोज है, रियल है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग को ही क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल या डायाथर्मिक, जिसका मतलब होता है दोनों तरफ अंदर और बाहर, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर लगभग लगभग क्या होने वाला है। अच्छा एक बात, चारों तरफ से ये बंद है, अरे है कि नहीं है यार? यहां से जो भी गैस है या HCl है या जो भी चीज है, क्या इसमें से बाहर निकल सकती है? क्या अंदर आ सकती है? तो मैटर का कोई भी ट्रांसफर प्यारे बच्चों सिर्फ किसका ट्रांसफर हो सकता है? क्योंकि हीट का ट्रांसफर होगा। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बट मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इतनी बात समझ में आ गई है? लिखिए फटाफट से ये डायग्राम बना लीजिए, जल्दी से सारी चीजें ऐड करनी है। दिस इज व्हाट इट्स अ क्लोज सिस्टम। हो गया यहां तक? क्लोज सिस्टम चारों तरफ से बंद होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो आप, और मैटर का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है? सभी ने डायग्राम बना लिया, इसी को हम आइसोथर्मल या फिर डायाथर्मिक भी बोलते हैं। क्लियर है ना ये बात आप लोग? चलिए इसे कुछ एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों फटाफट से। जैसे हमारे पास क्लोज सिस्टम में एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे तुमने देखा होगा कि जो घर में जो बर्तन होते हैं, जैसे जग हो गया स्टील का या कॉपर का, तो कॉफी मान लो किसी क्लोज्ड वेसल में, या फिर हॉट वाटर मान लो, जैसे ये देखो यहाँ पे कुछ ग्लास है, ये कुछ इस तरह के बर्तन है जो ऊपर से ढक्कन से बंद होते हैं, ये रियल लाइफ में तुमने देखे भी होंगे, और ये कंडक्ट भी हो सकते हैं। जैसे हम कुकर में खाना बना रहे हैं, कुकर को बंद कर रखा है तो कैसा सिस्टम हो गया वो? क्लोज, चारों तरफ से बंद है, और हीट नीचे से ट्रांसफर होती है कि नहीं होती? तो अगर मान लो वो ओपन होगा, ठीक है, ऊपर से ओपन होगा तो कैसा सिस्टम हो जाएगा? ओपन। अगर वो बंद है तो ऐसे कॉपर के जग होते हैं ना, तो जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हो अगर वो ढका हुआ है तो क्लोज सिस्टम है। ढका हुआ यानी सील्ड होना चाहिए पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि ढक्कन ऊपर रख दिया है थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो वो फिर वो क्लोज सिस्टम में नहीं आएगा, वो फिर ओपन सिस्टम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा वो? एक भी छोटा सा भी उसके अंदर से यहाँ पे पोर आ गया जिसमें से हीट या मैटर जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, तो वो हमारा ओपन सिस्टम में आएगा, क्लोज सिस्टम में नहीं आएगा। वो चाय की केटली देखिए तुमने, वो चाय वाला देता है, या फिर घर में भी होती थी, वो चाय डालते उसमें छोटा सा छेद होता है वहां से, तो वो कैसा सिस्टम है?
अगर वो बंद कर दे हम उसे तो क्लोज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके सारे एग्जांपल तुमने देख ही रखे हैं तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये हमारा कॉफी कप वाला हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल है, लिख लीजिए एग्जांपल वन, कॉफी इन क्लोज्ड वेसल, हॉट वाटर इन क्लोज्ड ग्लास या क्लोज वेसल। अच्छा एक देखो, ग्लोइंग बल्ब, ग्लोइंग बल्ब और ट्यूबलाइट, ये भी क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल है। क्यों? बल्ब में से रेडिएशन निकलती रहती है, हीट निकलती है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है, क्लोज सिस्टम है। ये दूसरे एग्जाम्पल है, ग्लोइंग बल्ब और ट्यूबलाइट। तुम कहोगे इसमें मैटर तो नहीं जा सकता, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा ना उसमें से, लेकिन क्या ट्रांसफर हो रहा है, हीट। ग्लोइंग बल्ब, तुमने ये वाले बल्ब देखे, ये वाली ट्यूबलाइट देखी होगी, इसमें से भी इसे ये पकड़ोगे ना गर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे इस तरह के बल्ब तुमने देखे होंगे, आप तो रेस्टोरेंट वगैरह में लगे रहते हैं, डिम लाइट होती है, मध्यम मध्यम लाइट होती है, और फिर आराम से खाना पीना आ रहा होता है, गरम गरम थोड़ी सी हीट एनर्जी निकल रही होती है। तो इसके ग्लोइंग बल्ब और ट्यूबलाइट इसके एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम के, लिख लिए दोनों एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे फटाफट से, अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। ये कैसा एग्जाम्पल है बताएगा कोई बच्चा? नहीं तुम बताओ लॉजिक कुछ। अभी चंद्रयान गया था, याद होगा तुम लोगों को। अच्छा समझो, जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए यहां पे ये दिख रहे तुम्हें, ये पैनल्स सोलर पैनल है, इसके ऊपर कौन सी रेडिएशन पड़ती है, सन की, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, रेडिएट भी कर रहा होगा, अरे दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हीट कैन बी ट्रांसफर, पर इसका सामान अंदर का बाहर नहीं आ सकता और अंदर कुछ जा भी नहीं सकता, कैसा सिस्टम है ये? जल्दी लिखिए, सैटेलाइट इन ऑर्बिट इज द थर्ड एग्जांपल, लिख लिया आप लोगों ने? अरे हाँ कि ना यार। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लोज सिस्टम जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, ये बताओ मुझे। सबसे पहली बात कि देखेंगे, क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, बट किसका एक्सचेंज होता है, बट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, बट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी इज पॉसिबल किसके बीच में, इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। In between the system and surrounding. है ना आसान? ओपन सिस्टम में दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही थी, क्लोज में एक, एक क्या है वो हीट, मैटर ट्रांसफर एग्जाम्पल हमने लिख लिया है। अच्छा ह्यूमन बीइंग क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है? ओपन, क्योंकि वो खाना खाता है ना, तो ट्रांसफर हो रहा है वहां पे मैटर का। जहां पे मैटर का ट्रांसफर ना हो वो हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लोज सिस्टम। क्या ये आप लोगों ने लिख लिया है? अरे हाँ कि ना यार। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे फटाफट से, क्या रह गया था, जल्दी करो, पेपर अच्छा हो गया ना तुम लोगों का वैसे। देखिए और भी पढ़ो और अच्छे से पढ़ोगे। अब देखो तुम्हें अब शायद अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ के टेस्ट और यहाँ के असाइनमेंट की कितनी वैल्यू है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। केबी के पेपर देख लो, बस प्राइवेट स्कूल वाले के जो टीचर है ना वो कुछ भी रैंडमली जो भी उनको इंटरनेट से मिलता है वो डाल देते हैं, पर एक स्टैंडर्डाइजेशन देखे, पढ़ने का एक तरीका होता है, अगर वहां से देखे तो वो बहुत अच्छे तरीके से पेपर डालते हैं। एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो शायद मैंने इसलिए नहीं कराया है क्योंकि वो मतलब बहुत ही रेयर रहता है, वो आता नहीं है पेपर में, और उसे पढ़ाने के लिए ना 2-3 क्लास लग जाती है। डिटेल नोट्स में देखोगे तो वो सब करा रखा है मैंने, लेकिन अब वो कभी कभी रैंडमली पूछ लेते हैं, तो एक आधे क्वेश्चन में हो सकती है दिक्कत। जैसे एक साई और साई स्क्वायर वाला था, क्वांटम मैंने पढ़ाया नहीं था तो उसमें आ गया था। खैर छोड़ो, आगे चलते, हो गया ये सभी का, तो ध्यान से पढ़ना है आपको, लिखेंगे फटाफट से। ऐसा क्लोज सिस्टम में जो बाउंड्री होती है वो रियल होती है और कंडक्टिंग, क्या मतलब, दोनों तरफ अंदर और बाहर टेम्परेचर रिमेन सेम, हीट एनर्जी तब तक ट्रांसफर होगी। इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसमें लिखेंगे। अच्छा सील्ड होती है चारों तरफ से, ये नहीं है कि थोड़ी तरफ से ढक्कन खुला हुआ हो, नहीं, सील्ड होनी चाहिए, और क्या लिखा हुआ है, बट नॉट इंसुलेटेड। नॉट इंसुलेटेड का मतलब आप लिख सकते हो कंडक्टिंग, है ना, इंसुलेट का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग, नॉट इंसुलेट का मतलब है कंडक्टिंग, तो आप नॉट इंसुलेट मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी जगह पे आप कंडक्टिंग लिखना तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर कह रहा है कि क्लोज वेसल मेड अप ऑफ, लिख दिया वैसे तो नीचे कि कंडक्टिंग मटेरियल। एग्जांपल क्या है इसका, कॉपर और स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ अ
क्लोज सिस्टम, पर ये बंद होना चाहिए, ये नहीं कि कॉपर का बर्तन ले लिया और ऊपर से खुला हुआ है, नहीं बंद होना चाहिए। तो रियल लाइफ में क्या क्लोज है क्या ओपन है तुम्हें पता चल जाएगा। अरे हाँ कि ना यार, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में कोई दिक्कत है तो बताओ। ओपन वाला सील्ड नहीं होता है, क्लोज वाला सील्ड होता है। डन है यहां तक? प्रॉपर नोट्स बनाओ और ढंग से इसको रिवाइज करो, ठीक है? ज्यादा घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम मुझे रोज 5 मिनट दो, 5-10 मिनट दो, तुम्हें दोबारा घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये अभी से बनाओ, क्योंकि फिर पिछले चैप्टर में तुमने गलती करी है, फिर बाद में तुम्हें दिक्कत हुई है, ठीक है? हो गया यहाँ तक? इस सैटरडे को वैसे केमिकल बॉन्डिंग भी मैं पूछने वाला हूँ तुम लोगों से, काम तो कर रहे होगे ना उस पर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और वगैरह सारी चीजें, एक एक क्वेश्चन मैं चेक करूंगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्लोज सिस्टम में। अच्छा एक बात बताओ, क्लोज सिस्टम में जितना अमाउंट तुमने डाल दिया उतना ही रहेगा ना, वो बढ़ने वाला है? क्योंकि ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है ना, तो अमाउंट विल बी रिमेन सेम कॉन्स्टेंट। यू कैन से लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कॉन्स्टेंट, अमाउंट ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कॉन्स्टेंट, जो अमाउंट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये? क्लोज। ओपन में बढ़ जाता था या घट जाता था, क्योंकि वो ओपन रियल इमेजिनरी बॉल थी, इसमें ऐसा नहीं है। डन हो गया ये लाइन? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या नाम है? आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा इसका दूसरा नाम है एडियाबेटिक। क्या नाम है इसका? एडियाबेटिक, याद रखना। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एडियाबेटिक, लिख लेंगे। डायग्राम मेरे साथ साथ बना लो, सेम ही है एडियाबेटिक वॉल। अच्छा इसके एग्जांपल तुम्हें पता ही है, एक तो ये चारों तरफ से पहले सील होता है, ठीक है, और सील्ड होने के साथ साथ इसके चारों तरफ ना ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाती है जिसमें ना तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर सके ना ही ये रिलीज कर सके, इसके अंदर से बाहर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा पहले वाले में हीट ट्रांसफर हो जाता था, यस सर नो? दूसरे वाले में भी हीट ट्रांसफर, लेकिन इस वाले में हीट ट्रांसफर है, और इवन दो मैटर भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि चारों तरफ से बंद है, मैटर भी ट्रांसफर किसके साथ? ये अंदर का है सिस्टम, बाहर वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में एनर्जी को भी एक्सचेंज नहीं करते हैं और मैटर को भी एक्सचेंज नहीं करते हैं। रियल लाइफ में देखा है तुम लोगों ने, जब तुम घर में सर्दियों में तुमने देखा होगा जो थर्मस फ्लास्क होते हैं उसमें जब कॉफी डालते हो आप तो वो गर्म रहता है, पर इस दुनिया में ना कोई भी रियल लाइफ का मतलब 100% कह सकते हैं 100% आइसोलेटेड सिस्टम है ही नहीं। क्या उसमें हमेशा गर्म रहेगी चीजें? 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, है ना? क्योंकि जितना इंसुलेशन रहता है, इंसुलेटेड परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल होना चाहिए, यहां पे याद रखना परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल। अगर परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल नहीं है ना, अगर मतलब ऐसी वॉल है, देखो दुनिया में ना हर चीज कंडक्ट करती है, तुम्हें पता है, लकड़ी भी हो गया, लोहा, लोहा तो खैर करता ही है, प्लास्टिक भी, ऐसी कोई चीज जो तुम्हें लगे कि वो कंडक्ट नहीं करती वो कंडक्ट करती है। प्रेस करते हो ना अपने कपड़ों पे, कपड़ा तो क्या है, नॉन कंडक्टिंग है एक तरीके से, बट जब तुम प्रेस करते हो तो वो भी गर्म हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो थोड़ा बहुत ही सही, पर कंडक्ट परफेक्टली इंसुलेटेड कोई नहीं होता इस दुनिया में। तो परफेक्टली इंसुलेटेड मिल जाए तो ये वाला सिस्टम होगा आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात याद रखना है कि हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी और मैटर भी ट्रांसफर विद द सराउंडिंग। सिंपल सी बात है, ये जो मैंने ज़िगज़ैग करी है ये दीवार को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह की दीवार को रिप्रेजेंट करता है? परफेक्टली इंसुलेटेड। इसी को हम एडियाबेटिक वॉल भी बोलते हैं या एडियाबेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। एडियाबेटिक वॉल एक दूसरा नाम है इंसुलेशन का, एडियाबेटिक। इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या ये सब डायग्राम आपने बना लिया? कोई एग्जांपल बता सकते हैं इसका? थर्मस फ्लास्क काफी हद तक, मतलब रियल लाइफ में तो होता नहीं है बट हम मान लेंगे थर्मस फ्लास्क हो गया। अरे हाँ कि ना यार, पक्का? चलिए फटाफट से दूसरा एग्जांपल है यूनिवर्स। क्या एग्जांपल है? इतना बड़ा है कि हीट इसके बाहर जा ही नहीं सकती है और कुछ सामान भी इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो यूनिवर्स कैन बी द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, इसका एग्जांपल है यूनिवर्स, एक एग्जांपल हो गया। इतनी बात समझ में आई आप लोगों? यूनिवर्स के अलावा ये क्या है? थर्मस, थर्मस फ्लास्क, यूनिवर्स और दूसरा एग्जांपल है थर्मस। क्या कैसे?
यूनिवर्स क्या होता है? बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि वहां पे एनर्जी कहां से आएगी? नहीं, कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट, कंजर्व्ड रहती है। वो यूनिवर्स के लिए तो है एनर्जी जो कंजर्व्ड है। अच्छा, ये हो गया थर्मस फ्लास्क, लिख लिया आप लोगों ने। थर्मस फ्लास्क आप लोगों ने देखा भी है, अरे होगा भी सभी के घर पे, ठीक है। तो किसके घर में दो थर्मस फ्लास्क है? किसी के? चलो बताते नहीं हो, माँ से मांग लेगा कॉफी थर्मस फ्लास्क। मैं सोच रहा था दो होता तो एक दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुलाते, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम में पहली लाइन, तुम सब गरीब हो, हैं? वेरी गुड। लिखेंगे इन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर मैटर नोर एनर्जी, नाइदर मैटर नोर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड, ना तो मैटर, ये तो तुम अपने आप भी लिख सकते हो, और ना ही क्या एनर्जी, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगी। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ, विद द सराउंडिंग। हमने अभी तक तीन तरह के सिस्टम पढ़ लिए, क्या तीनों सिस्टम सभी को समझ में आया? अरे हाँ कि ना। बाउंड्री पढ़ लिया हमने, सराउंडिंग पढ़ लिया हमने, थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस पढ़ ली, लिमिटेशन नहीं पढ़ी अभी, लिमिटेशन पढ़ेंगे कल के बाद। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? लिख भी लिया आप लोगों ने। अच्छा ये बताइए, ये सील्ड होता है और कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है? नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि वो कंडक्ट, लेकिन सील्ड तो होता है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग के दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम। कैसा? परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम। डन हो गया यहां तक? अरे हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद आप लोग लिखेंगे फटाफट से कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो कैन नॉट इंटरैक्ट विद द, इट कैन नॉट इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग इन एनी वे विद इट्स सराउंडिंग, इट कैन नॉट इंटरैक्ट विद द, इट पूरा लिख लेना कि इट कैन नॉट इंटरैक्ट विद सराउंडिंग इन एनी वे, किसी भी प्रकार से ये सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ना हीट एनर्जी को लेके ना मैटर को लेके, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, हीट का भी ट्रांसफर नहीं होगा और मैटर का भी ट्रांसफर। अच्छा चलिए फटाफट से अगली लाइन में लिखेंगे आप लोग आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में कि द बाउंड्री इज सील्ड एंड इंसुलेटेड, जो बाउंड्री है इसकी वो सील्ड है और इंसुलेटेड है, द बाउंड्री इज सील्ड एंड इंसुलेटेड। यहां तक डन हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? जल्दी बताइए फटाफट से। यहां पे आप देखिए, मुझे बताइए कि यहां पे कौन सा सिस्टम यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है डायग्रामेटिकली? पहला वाला जो है ओपन है, क्योंकि लिक्विड वेपर जा सकते हैं आ सकते हैं। ये वाला सिस्टम क्या हो गया हमारा? समझ में आया आप लोगों को? तो ये वाला सिस्टम हमारा ओपन सिस्टम हो गया, वेरी गुड। अच्छा ये वाला कंडक्टिंग वॉल है लेकिन हीट ट्रांसफर हो रहा है और चारों तरफ से बंद है, ये वाला कैसा हो गया? मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, जो तुम्हारी कार है उस कार में फ्यूल टैंक कैसा सिस्टम है? ओपन, ट्रांसफर कर सकते हो मैटर, हीट तो ट्रांसफर करता ही है। इंजन कैसा सिस्टम है? ओपन, कैसे ओपन है? उसमें तेल डलता रहता है, जैसे जैसे तेल जाएगा तैसे तैसे वो बर्न होगा, बात समझ में आ गई आप लोग? लेकिन जहां पे कंबशन होता है वो क्लोज सिस्टम होता है, फ्यूल जहां से जा रहा है वो तो ओपन है, इंजन में दो तीन जगह होती है, तुमने देखा होगा शायद तुमने, और जहां पे वो बर्न हो रहा है वो कैसा सिस्टम है? अच्छा तुमने पिस्टन का नाम सुना है, सिलेंडर का नाम सुना है, अरे तुमने वो एड नहीं देखी है जिसमें वो मोबिल ऑयल की जो दिखाते हैं उसमें पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा होता है, वो जगह है ये, कैसा सिस्टम हुआ? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये बताओ चारों तरफ से बंद है तो ये कैसा हो गया? इसका दूसरा नाम था, कैसा नाम था इसका? एडियावेंट। ये डायग्राम बनाना है आपको जल्दी से और इनके नाम जरूर लिख देने,
जल्दी करिए, बना लिया आप लोगों ने? वेरी गुड, जल्दी करिए। आपके लिए थोड़े से गिफ्ट्स लिखे थे मैंने, चलो कर लेंगे बच्चे। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, जल्दी करो भाई। डायग्राम बन गया, असाइनमेंट मिल गया है, थोड़ा फास्ट फास्ट। एक असाइनमेंट गिरा हुआ है, नीचे उठा लो। जल्दी करिए, डन हो गए यहां तक? आते नहीं, इतना बढ़िया मतलब छोटे छोटे सवाल हैं। अब से तुम्हें छोटे छोटे सवाल ही मिलेंगे। ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताया करो मुझे, सॉल्यूशन सभी चीजों का है। जैसे आपको दिक्कत थी कि असाइनमेंट हमें काफी बड़ा मिलता है, तो अब वो चीज मिलेगी नहीं कभी तुम्हें। असाइनमेंट नहीं मिला, असाइनमेंट लो भाई, ठीक है। हो गया यहां तक सभी का? नहीं मिला असाइनमेंट? ये डायग्राम बन गया है सभी का, ओपन क्लोज सब लिख लिया आप लोगों ने? लो आज के लिए इतना ही, जल्दी करो फटाफट से। ये क्या, इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। एक पहली बात ये है कि प्रॉब्लम ये आई है कि तो वीडियो चलो फास्ट है तो उसे स्लो कर देंगे, जिसको आता है वो नहीं देखेगा। ये डिसाइड कैसे होगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करी थी बच्चों ने? नहीं ऐसा नहीं है, वो बात है रिवीजन करते ही नहीं हो तुम लोग। इतना कहने के बाद कई बच्चों ने, तुम में से मुझे सब पता है कि तुम में से कई बच्चों ने नोटबुक खोल के नहीं देखी है, तो सोचो मतलब ना कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा वो। यही वजह है कि उन बच्चों के नंबर भी टेस्ट में कम आते थे। देखी थी कल वीडियो? झूठ बोल रही है, हाईलाइट किया था, पेन से किया था, आ गया था समझ में सर? तो इसलिए मेरे ख्याल से, अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे मानते हैं कि ये बेनिफिशियल है? हाथ खड़े करो, मतलब देखना सही है, मेजोरिटी है ये तो। फिर अब तो ठीक है, करके देखते हैं एक हफ्ते क्या प्रॉब्लम है। पर ये आप देखिए, देखने का मतलब ये है कि नोटबुक लेके बैठ के आराम से करो। हाँ उसको और स्लो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोटबुक के साथ रिवीजन नहीं। तो देखो आज मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, नहीं तो कल से टेलीग्राम पे तुम्हारी नोटबुक के साथ सेल्फी मंगाने लग जाऊंगा मैं। नोटबुक हाथ में होनी चाहिए, नोटबुक चाहिए मुझे, तेरी शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो YouTube कैसे देखेगा उसमें? जियो वाले में। अच्छा चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमने कहां तक कर लिया था? ओपन सिस्टम तक कर लिया था हमने। अरे हाँ कि ना यार, चलिए आगे फटाफट से हमें करना है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ये सारी चीजें याद होंगी आप लोगों को। अच्छा उसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे, फ्यूल वाला कन्वर्जन था, ओपन सिस्टम पूरा आ गया था ना तुम लोगों को, वो आज पता चल जाएगा, टाइम ज्यादा हो गया। बढ़ते हैं फिर आगे। सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है? बाउंड्री, उसको सेपरेट करते हैं ना।
अच्छा, टाइप्स ऑफ बाउंड्री भी पढ़ाई थी, रियल इमेजिनरी ये सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसमें हमने ओपन सिस्टम,